बिहार में नए डीजीपी को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। आईपीएस आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होंगे। आलोक राज आईपीएस आरएस भट्टी की जगह लेंगे। राज्य के नए डीजीपी बने आलोक राज एक नहीं बल्कि कई फन के माहिर हैं। बेहतर पुलिसिंग में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आलोक राज एक तरफ जहां कड़क पुलिस ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संगीत के भी वो साधक हैं। डीजीपी बनने से पहले 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज भी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी के पद पे कार्यरत थे। राज्य में पुलिस के शीर्ष पद यानी डीजीपी बनने से पहले आलोक राज ने अपने करियर के लंबे सफर को तय किया है। आलोक राज कई जिले के एसपी रह चुके हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तौर पर वो सीआरपीएफ में भी 2005 से 2010 तक अपनी सेवा दे चुके हैं। एक तरफ आलोक राज की पहचान जहां बेहतर पुलिसिंग वाले ऑफिसर की है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पहचान संगीत के साधक की भी है। आलोक राज शास्त्रीय और पुराने संगीत और भजन को पसंद करते हैं, खुद भी गीत गाते हैं, उनकी एल्बम भी आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि आलोक राज का नाम इस बार डीजीपी बनने के बाद से चर्चा में आया है। आलोक राज का नाम इससे पहले भी तब चर्चा में आया था जब इसके सिंगल डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे और बिहार में नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा का दौर चल रहा था। उस वक्त भी आलोक राज का नाम डीजीपी के लिए तय माना जा रहा था, लेकिन मोहर आईपीएस आरएस भट्टी के नाम पर लगा। आलोक राज मुजफ्फरपुर के सैरिया के नौरा गांव से हैं। उनके दो भाई विदेश में रहते हैं जबकि एक बहन डॉक्टर है। आलोक राज की पत्नी दूरदर्शन पटना में न्यूज रीडर रह चुकी हैं। उनके ससुर डीएन सहाय भी बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। पटना से टीवी 9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।